नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके एजुकेटर मीका शर्मा और आप देख रहे हैं पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपके साथ एमपी जीके जीएस सीरीज का मैं पार्ट 18 डिस्कस कर रही हूं। और जैसा आपको पता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके बाद हमारे 25 क्वेश्चन, आफ्टर दैन जो मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आती हूँ हर बार वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट पर एक नजर डालते हैं। 18वें एशियाई खेलों की समाप्ति पर पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? जैसा आपको पता है कि संडे के दिन ही एशियाई खेल खत्म हुए, ये 18वें एशियाई खेल थे जो आपके इंडोनेशिया के जकार्ता और पालिमबंग में संपन्न हुए। उसमें इंडिया का जो स्थान था, जो हमें मेडल टैली में जो हमारी पोजीशन थी वो क्या थी, तो वो थी हमारी 8वीं पोजीशन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह स्थान जहां अलकनंदा क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया। मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपको पता होना चाहिए, वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अलकनंदा क्रूज सेवा का उद्घाटन किया गया है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस देश में चौथी अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस यानी IAVC आयोजित की गई थी वो देश कौन सा है, तो ये है नीदरलैंड। चौथा है आपका वोडाफोन इंडिया को जिस भारतीय दूरसंचार कंपनी के साथ विलय कर दिया गया वो है आइडिया। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह भारतीय खिलाड़ी जिसने एशियन गेम्स के 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया, तो वो कौन बने, वो थे मंजीत सिंह। ये काफी फेमस हो चुके हैं मंजीत सिंह जी, जैसे ही इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया उसके बाद गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर इनके बारे में काफी ज्यादा सर्च किया गया है और इन्हें नेक्स्ट मिल्खा सिंह कहा जा रहा है। बढ़ते अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? Which river is known as the lifeline of Madhya Pradesh? And the options are Ken, Narmada, Chambal या Betwa? And I think one of the most easy question होगा इस सीरीज का, और इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा। Alright, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अलावा केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? एंड द ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। कहां से बहती है? उत्तर प्रदेश से। देखिए, नदियां जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लिए। और जो क्वेश्चन आया वो नदी से ही आया अगला, कि मध्य प्रदेश के अलावा जो केन नदी है वो किस राज्य के मध्य से बहती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड में गाने के लिए गीतकार के रूप में काम किया? एंड द ऑप्शंस आर नाथुराम प्रेमी, शरद जोशी, राहत इंदौरी या सेठ गोविंद दास। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी राहत इंदौरी। एक क्वेश्चन अक्सर आता है मोस्ट फेमस पर्सनालिटी को लेकर, मोस्ट फेमस पर्सन को लेकर, तो उसमें आपको याद रखना है कि राहत इंदौरी इज राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और किस राज्य में आता है? एंड यू हैव अ ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कहां पे आता है, तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ में आता है। ऑलराइट, प्रश्न नंबर पांच आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किस त्योहार की शुरुआत के साथ ही बरेदी नृत्य किया जाता है? होली, नवरात्रि, दिवाली या बैसाखी। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑप्शन नंबर सी यानी दिवाली। प्रश्न नंबर छह आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? एंड द ऑप्शंस आर इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर। कहाँ स्थित है, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी यानी ग्वालियर में स्थित है, जो कि सिंधिया का क्षेत्र भी है। प्रश्न नंबर सात आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर इंदौर, हनुवंतिया, भोपाल या जबलपुर। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑप्शन नंबर बी यानी हनुवंतिया। प्रश्न नंबर आठ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टूडेंट्स, भारत भवन कब स्थापित हुआ? भारत भवन से हर दूसरे पेपर पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना ही है, इसलिए आप इसे जितना ज्यादा याद कर सकते हैं, इसके बारे में जितना ज्यादा सर्च कर सकते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1982 में ये बना था। प्रश्न नंबर नौ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान को पाताल के लिए मार्ग माना जाता है? एंड द ऑप्शंस आर मड़ई, तामिया, गुड़ या जावा। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन इज ऑप्शन नंबर बी यानी तामिया। प्रश्न नंबर टेन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा 1999 में भारत के प्रथम
जैव क्षेत्र रिजर्व के रूप में घोषित हुआ था। एंड दी ऑप्शंस आर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या पन्ना टाइगर रिजर्व। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर सी, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था। एंड द ऑप्शंस आर 1820, 1821, 1819, 1822। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 1822, यानी 1822। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बर्मान का मेला कितने दिनों तक चला था। हाउ मेनी डेज डज द फेयर ऑफ बर्मान गो ऑन फॉर। एंड द ऑप्शंस आर 15, 12, 14 या 13। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 दिनों तक ये चलता है। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 8, 7, 9 या 10। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ था। एंड द ऑप्शंस आर गुना, इंदौर, होशंगाबाद या भोपाल। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर डी, यानी भोपाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। एंड द ऑप्शंस आर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, छतरी बाग, अशोक स्तंभ, गौस मोहम्मद का मकबरा। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर डी, यानी गौस मोहम्मद का मकबरा। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिण के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। एंड द ऑप्शंस आर शाजापुर, खंडवा, टीकमगढ़ या बुरहानपुर। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी बुरहानपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद मैं इससे पहले भी कवर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये एग्जाम में भी हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष 1986-1987 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था। एंड द ऑप्शंस आर तानसेन पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार या कबीर पुरस्कार। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन नंबर टी, यानी कबीर पुरस्कार। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। स्टूडेंट्स, मध्य भारत पठार क्षेत्र में कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डजंट फॉलो इन द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू रीजन। एंड द ऑप्शंस आर जामनेर, चंबल, काली सिंध या पार्वती। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी जामनेर। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि सतसई किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए बिहारी लाल। अब अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया है वो है कि बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। एंड द ऑप्शंस आर इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्वालियर। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ग्यारसपुर के अठ खंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष है। किसी विश्वविद्यालय के अवशेष है या मंदिर के अवशेष है या महल के अवशेष है या इनमें से कोई नहीं, किसी के भी अवशेष नहीं है जो यहाँ मेंशन किया गया है। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी मंदिरों के अवशेष है ग्यारसपुर के जो अठ खंबे और चौखंबे है वो। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित भारतीय वैसे किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। एंड द ऑप्शंस आर तांत्या भील, काजर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र और ताना भगत। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तांत्या भील। तांत्या भील की तो हमने स्टोरी बचपन से सुनी है, उनकी बहादुरी के किस्से बचपन से सुने हैं, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए वन ऑफ द इजी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मीडिया मीमांसा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। एंड द ऑप्शंस आर भोपाल, रीवा, मंडला या उज्जैन। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन नंबर ए, यानी भोपाल। प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टूडेंट्स, शौकत महल कहाँ स्थित है। लास्ट टाइम पटवारी के पेपर में सबसे ज्यादा किले, महल, मंदिरों के प्रश्न थे, तो इनके आने की संभावना आगे भी है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है, वेयर इज द शौकत महल सिचुएटेड। एंड द ऑप्शंस आर इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन नंबर सी, यानी भोपाल। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बरसाती बर्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है।
द फोक सॉन्ग्स ऑफ बरसाती बरता इज पॉपुलर इन द रीजन ऑफ मालवा, निमाड़, बघेलखंड या बुंदेलखंड. एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन नंबर ए यानी मालवा. प्रश्न नंबर 25 जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था. एंड द ऑप्शंस आर 1996, 1997, 1995 एंड 1998. एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर डी यानी 1998. बढ़ते हम हमारे अगले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं यानी भारत में प्रथम. तो देखिए भारत में प्रथम में आज हमने महिलाओं का चयन किया कि भारत में प्रथम महिलाएं जो थी जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पहला जो भारत में प्रथम फैक्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी. आपको पता होना चाहिए कि जो पहली भारतीय महिला बनी थी वो बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी. नॉर्मली प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न के लिए सिफारिश भेजी जाती है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें पद पे रहते हुए ही भारत रत्न मिला था, यानी इन्होंने अपने नाम की सिफारिश ही भेजी थी. अगला जो हमारा फैक्ट है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो ये थी हमारी श्रीमती सरोजनी नायडू जी. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं वो कौन सा भारतीय राज्य था जिसकी पहली महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी. भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी. देश की पहली केंद्रीय मंत्री बनने का गौरव किसे हासिल हुआ था, तो श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर को हासिल हुआ था. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट का नाम आपको याद रखना होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो द राइट आंसर फॉर दिस फैक्ट इज श्रीमती रमा देवी जी. उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, ये थी न्यायाधीश लीला सेठ, जिनके बेटे विक्रम सेठ जो कि बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है, बहुत ही फेमस ऑथर भी है. सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी थी, तो ये थी न्यायाधीश एम फातिमा बीवी. सुप्रीम कोर्ट में 30+1 जज होते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30 की, क्योंकि अभी तक कोई भी जो है मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट की कोई महिला नहीं बनी. हाँ न्यायाधीश बहुत महिलाएं बनी है, और सबसे पहले न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की बनी थी न्यायाधीश एम फातिमा बीबी जी. और आखिरी जो हमारा भारत में प्रथम फैक्ट है वो है लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, और इनका नाम है श्रीमती मीरा कुमार जी. और वर्तमान में लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त है वो है कौन, वो है सुमित्रा महाजन जी जो इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है. तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये अभी तक के लिए था. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. अगर आपको हमारी ब्रांचेस में एडमिशन लेना हो तो आप हमारे 9039055453 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो एग्जाम रिलेटेड, वीडियो रिलेटेड या अन्य किसी तरह की, तो आप मुझे या सर को बताइए. हमारे वीडियोज के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन आता है वहां पर आप प्लीज लिखिए, हम जो भी आपके लिए बेहतर कर सकते हो बिल्कुल करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. हैव अ गुड day.